आज हम लोग गुडविल के बारे में देखेंगे। हमारा टॉपिक आज का है गुडविल। व्हाट डू मीन बाय गुडविल? पहले तो ये समझिए आप कि गुडविल है क्या। गुडविल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आपको देख लें और समझें कि ये गुडविल है। गुडविल हमको पहचानना होता है। कैसे गुडविल है क्या? गुडविल को रियलाइज किया जाता है, महसूस किया जाता है। फील ए इनटेंजिबल एसेट होती है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। गुडविल को पहले हम लोग पहचाने गुडविल है क्या, गुडविल के बारे में जानने की, गुडविल को हम लोग कैसे अज्यूम करें कि ये गुडविल है। एक बिजनेस की, एक व्यक्ति की गुडविल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसको विस्तृत रूप से देखेंगे कि गुडविल के बारे में कैसे है, व्यवसाय में गुडविल का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि गुडविल, व्हाट डू मीन बाय गुडविल? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, दैट कॉल गुडविल। गुडविल को हम लोग, जो रेपुटेशन आपकी होती है, जो फर्मों की रेपुटेशन होती है, उसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। गुडविल को हम लोग फाइंड आउट भी करते हैं, गुडविल को हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते हैं। उसके दो तीन चार मेथड्स भी होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ गुडविल? चार मेथड इसके बताए गए। गुडविल को कैसे हम लोग व्यवसाय में गुडविल का आकलन करते हैं, चार तरीके से आपको बताया गया है गुडविल। पहला है, फर्स्ट मेथड इसका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला हमें औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि के आधार पर हम लोग ख्याति की गणना करते हैं। औसत क्या है? औसत जो 2, 3, 4 ईयर्स की जो हमारी प्रॉफिट्स होती है, और उससे हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि गुडविल हमारी कितनी है इसकी। नंबर सेकंड है वेटेड एवरेज एपी, इसको हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग शॉर्टकट में देख लिए हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम लोग देखते हैं भारांकित औसत लाभ विधि। तीसरा आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन चार विधियों के द्वारा हम लोग ख्यात की गणना करते हैं, ख्यात को पता लगाते हैं कि ख्याति है क्या। पहली विधि में आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरी है सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथी आपकी है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आप इसके फार्मूले होते हैं, इसको हम लोग फार्मूलों के आधार पर हम लोग इसकी गणना करते हैं। तो अगर हम लोग पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड, तो इसमें टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट को अगर नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दें तो हमारा ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और जब हम इससे गुडविल की गणना करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट से, तो गुडविल इज इक्वल टू एपी मीन्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ऑलरेडी ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चंस में आपके दिए रहते हैं, अगर नहीं भी रखा है तो एवरी ईयर्स अज्यूमिंग 3 ईयर्स परचेज, हमेशा हम लोग 3 साल का इसको अज्यूम करके और गुडविल की कैलकुलेशन कर देते हैं। दूसरा आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम लोग वेटेड से गुडविल की गणना करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन, ये सेकंड मेथड है, टोटल अपन नंबर ऑफ टोटल वेट अगर इससे हम लोग निकाल देंगे तो हमारा ये आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग तीसरी जो मेथड है आपकी सुपर प्रॉफिट, ये सबसे बड़ी होती है, और इस मेथड को अगर आप जान गए तो ये दोनों मेथड ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, वही एवरेज प्रॉफिट जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम फाइंड आउट करें? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी हमारे पास फार्मूले होते हैं। कौन सा फार्मूला? एनपी का फार्मूला लगा दीजिए, एनपी, शॉर्टकट में हम लोग एनपी भी बोल सकते हैं। एनपी इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर, इट मींस बाय 100। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया रहता है ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। ये ऑलरेडी 2%, 3%, 4%, 12%, 15% समथिंग आपके ऑलरेडी गिवन दिस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस में रहता है, डिवाइडेड बाय 100। इससे आपका एनपी निकलेगा, ना कि गुडविल निकलेगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा नाम भी है, कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड ना देकर के किसी दूसरे नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से वैल्यू दे रखी है तो भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारी ये एनपी आ जाएगी। और एपी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। अब एपी से, इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट ये आपको पता चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब कभी कभी हम लोग पास कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं होता है, उस कंडीशन में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का भी यूज फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो आपके फर्मों में, जो आपके व्यवसाय में संपत्तियां होती हैं उसके साथ साथ कुछ दायित्व आपके होते हैं, देनदार होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको अगर आप माइनस कर देते हो तो ये पता चल जाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति बची है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपको सी ई का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट हो जाएगा तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ रखकर और नॉर्मल रेट आपसे मल्टीप्लाई कराने के बाद डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जब सुपर प्रॉफिट मिल जाए तब गुडविल की गणना करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम लोगों ने देखा कि गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट हमको यहां से फाइंड आउट हो गई। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑलरेडी गिव रहता है, गिवन रहता है आपके क्वेश्चंस में, तो आप लोगों ने उससे वहां से ले लिया और आपने उसका कर लिया तो आपको गुडविल की गणना आपके पास हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, गुडविल इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया जाता है। जब फाइंड आउट करने के बाद अब कम से कम हम लोग ये देखें, फिर कंपेयर कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट में क्या था, वेटेड में क्या था, सुपर में क्या था। अगर आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट सही से कर लेते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना आ गया तो एवरेज पहले से ही उसमें आ जाएगा। रही बात वेटेड की, वेटेड में जो आपका प्रॉफिट होता है उसके लिए वेट दिया रहता है। वेट सपोज दैट 1, 2, 3, 4 ये दिया रहता है वेट, तो जो आपकी प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को वेट से अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं, मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट आपकी है, यहाँ 20,000 है, यहाँ 30,000 है, समथिंग ऐसे दे रखा है, तो इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आपका 10,000, ये आपका 40,000 और ये आपका 90,000। इस तरीके से जो ये आपका वो आएगा, ये टोटल वेट आएगा और ये टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा और यहाँ पे टोटल वेट 4, 3, 2, 1 ये 10 हो जाएगा। अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुडविल को फाइंड आउट कर लेते हैं और गुडविल का ये हम अज्यूम करके देखते हैं कि अपनी फर्मों में हम कैसे इसको देखते हैं कि अपनी फर्म एक व्यक्ति के पास जो प्रॉफिट्स थी, जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे फर्स्ट ईयर में क्या था, सेकंड ईयर में क्या है। कभी कभी देखते हैं कि जो ए बिजनेस कर रहा है, बी बिजनेस कर रहा है, सी बिजनेस कर रहा है, इसका मान लीजिए 2 लाख है, इसका 1.5 लाख है और इसका 1 लाख है, तो इसका निश्चित तौर पर ये पहले से व्यवसाय में था, ये उसके बाद में व्यवसाय में आया और ये उसके बाद में आया, तो ये उसका ज़्यादा कहीं ना कहीं इसके पास ज़्यादा ग्राहक होंगे, इससे कम ग्राहक इसके पास होंगे, इससे कम इसके पास, क्योंकि ये न्यू बिजनेस में अभी आया है, अभी अभी आया है। ठीक है,